द्वारा निर्मित हर्बल सैनिटाइजर का महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव रजही के किसानों, दुकानदारों और मजदूरों सहित लगभग 500 परिवारों में हर्बल सैनिटाइजर सहित साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया। और कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्य रोवर्स रेंजर्स के समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, ANSN अधिकारी सुरेंद्र कुमार चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एक घंटे पे हाथ धुल के इसको लगाते रहिएगा घर दिन भर में। जब भी जाइए आप तो हाथ साबुन से धुलिए। सैनिटाइजर है दिग्विजयनाथ कॉलेज की तरफ से फ्री में रजही गांव में बांटा जा रहा है। इसको खाने से पहले दिन भर में 4 बार 6 बार 8 बार 2 बूंद ले करके और हाथ में लगा लिया करिए। बाहर खेत में काम कर रहे हैं तो आप मुंह बांध करके रहिए। नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जब तक यह बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जब सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तभी लॉकडाउन खत्म होगा, है ना। तो मुंह बांध करके रहिए। अन्य लोगों को भी बताइए, जो लोग हैं उनको बताइए और अंदर रहिए, ठीक है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के डॉक्टर पवन कुमार पांडे ने बताया। और इस तरह से हम ये सैनिटाइजर बनाने में सफल हुए और कल रविवार को इसका वितरण महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव रजही में हुआ। वहां डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य और डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में ये कार्य संपादित हुआ, जिसमें सभी ग्रामीणों को यह सैनिटाइजर बांटा गया और साथ ही उनसे ये अपील की गई, उन्हें जागरूक किया गया कि किस प्रकार से वह इस महामारी से बच सकते हैं और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की।